हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से इंस्टाग्राम की फेमस सीरम, आप देख सकते हैं ये इंस्टाग्राम के फेमस सीरम है, एक है फ्लिक्स का और एक है पिलग्रिम का। ये दोनों ही सीरम पूरे इंस्टाग्राम पर छाया हुआ है, धूम मचाए बड़े हैं अपने प्रोडक्ट की जो इन्होंने क्लेम किया है उसके लिए। यानी कि इन दोनों का क्लेम है कि आपके चेहरे को ब्राइट करते हैं और पिगमेंटेशन को दूर करते हैं। तो ये दोनों ही सीरम मैं अच्छी तरीके से यूज़ कर चुकी हूँ एंड इसकी मैं 2-3 बॉटल्स यूज़ कर चुकी हूँ। इसकी भी मैं दो ही बोतल यूज़ कर चुकी हूँ एंड उसके बाद रिज़ल्ट मेरे स्किन में क्या आया क्या नहीं आया ये मैं आप लोगों से अपनी वीडियोज़ में शेयर करूँगी। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, देखते तो हैं बट लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करती हूँ। ये है फ्लिक्स का पाइनएप्पल डी पिगमेंटेशन का सीरम है ये, और ये विटामिन सी सीरम है सारे के। एंड आप लोग देख सकते हैं इसकी प्राइस भी, आप लोग देखिए 700 रुपीज़ का है। ऑनलाइन आप किसी भी वेबसाइट से लीजिए, जो प्राइस हैं वो कम बढ़ हो सकते हैं। जहाँ पर भी आपको प्राइस आपके हिसाब से सही लगे, सूटेबल लगे, आप वो परचेस कर लीजिए, पर ध्यान रहे प्रोडक्ट ओरिजिनल ही हो। मैंने इसको इसी की वेबसाइट से मंगाया था, आप चाहे तो नायका से या फिर पर्पल से या फिर फ्लिपकार्ट पर भी ये अवेलेबल है, आप उससे भी ले सकते हैं। और इसमें जो है ये आपको सीरम जो है ये वाला फ्रेंड्स, ये आपका दावा करता है कि ये आपकी स्किन को ब्राइट कर देता है एंड आपकी स्किन पर जो पिगमेंटेशन होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, उसको रिमूव कर देता है। तो ये है फ्लिक्स का, इसमें ये दावा करता है आपकी पिगमेंटेशन को दूर करता है, आपको स्पॉट्स को भी दूर कर देता है। एंड इसको यूज़ किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से नहीं करते, ये मैंने इस पर एक पूरी डिटेल में वीडियोस शेयर की है, ये आप लोग ज़रूर से वॉच करें। एंड इसका टेक्सचर थोड़ा सा ऑयली होता है एंड इसकी स्मेल भी ठीक ठाक है, मतलब कि ज़्यादा स्मेली नहीं है ये, अच्छी है स्मेल, कोई इरिटेट करने वाली स्मेल नहीं है और इसका थोड़ा सा ऑयली टेक्सचर है, ठीक है। इसे ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं मे बी एंड सारी स्किन वालों के लिए ये है। एंड जिसकी ऑयली स्किन है तो वो इसके ऊपर से कोई मॉइस्चराइज़र, क्विक ऑब्जॉर्ब होने वाला मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं या फिर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। ये बहुत जल्दी ऐसे इस तरीके से बहुत जल्दी ऑब्जॉर्ब होता है स्किन में, अदरवाइज़ ये थोड़ा टाइम लेता है स्किन में ऑब्जॉर्ब होने के लिए। एंड ये बेस्ट है, इसको अगर आप 2-3 महीने तक अगर आप इसको यूज़ करें तो आपका चेहरे पर इस पर डिफरेंस नज़र आएगा आपको खुद से, ठीक है। एंड इसको अगर आप यूज़ करते रहेंगे तो आपका चेहरा एकदम साफ और क्लीन हो जाएगा। एंड साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं इसके, यूट्यूब पर बहुत से यूट्यूबर्स ने इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बता रखे हैं, जैसे कि उनका चेहरे पर, आंखों पर स्वेलिंग आ गई है। तो प्लीज़ इसको एक छोटी बॉटल आप लोग मंगवा के इसको पहले ट्राई करके देखें, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ये पिलग्रिम का सीरम, ये भी सेम यही वर्क करता है, ब्राइट करता है, विटामिन सी है अल्फाबन का। एंड इस पर भी मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाकर रखी हुई है और ब्लूबेरी भी है इसमें, जो कि आपकी स्किन को क्लियर करती है, स्पॉट्स क्लियर करती है। एंड बिल्कुल ये भी यही दावा करती है कि 2-3 मंथ में आपकी स्किन बिल्कुल ही ब्राइट हो जाएगी, स्पॉटलेस हो जाएगी, पिगमेंटेशन भी आपकी धीरे धीरे करके ये ख़त्म कर देगा। तो ये भी ट्रू है एंड ये भी यही क्लेम करता है, 2-3 मंथ में आपकी स्किन को साफ कर देगा। एंड ये भी आप प्राइस देख सकते हैं 650 रुपये का है, 650 रुपीज़ का है ये। एंड ये भी आपको किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल सकता है, मैंने इसी की ही वेबसाइट से मंगवाया था एक बार, और एक बार मैंने इसको नायका से मंगवाया था एंड फिर मैं नायका से ही परचेज़ किया, दोनों सेम ही मुझे मिले। एंड इसमें भी वही है जो कि इसमें है। अब चलिए फिर बात करते हैं कि दोनों में से बेस्ट कौन से लगे मुझे पर्सनली, बेस्ट कौन सा लगा। तो मुझे दोनों ही अच्छे लगे, बट टेक्सचर की बात करें तो सबसे अच्छा मुझे टेक्सचर इसका लगा, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे ये वाला बेस्ट लगा, क्योंकि इसका जो ऑब्जॉर्बिंग है वो इससे फास्ट है, उसकी स्मेल भी इससे अच्छी है, इसमें स्मेल बहुत ही अच्छी लगती है मुझे पर्सनली, इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी लगती है। और इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा ऑयली है, मेरी स्किन ऑयली है तो यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है इधर साइड में, तो इसलिए
दिन में अगर लगा लो तो थोड़ा सा इरिटेशन होती है, बट इसको लगाने से नहीं हुई थी मुझको तो। बट दोनों अदर दोनों ही सीरम्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, एंड आपकी स्किन के जो भी शूट कर जाए वो भी बहुत ही अच्छा है। बट स्मेल एंड टेक्सचर की बात करें और ऑब्जॉर्बिंग की बात करें तो दोनों में से मुझे बेस्ट जो लगा वो पिलग्रिम का है ये सीरम, और दोनों ने मेरी स्किन पे वर्क किया। एंड सबसे ज़्यादा वर्क तो आई थिंक इसने किया एंड इसने भी किया, दोनों ने किया क्योंकि दोनों ही मैंने यूज़ किए हुए हैं एंड दोनों ही टेक्सचर अच्छे हैं। इसका थोड़ा ऑयली है, इसका क्विक ऑब्जॉर्ब हो जाता है, और इसकी स्मेल इससे बेस्ट है मुझे लगी। और आप ट्राई करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन सा बेस्ट लगा ये फेमस सीरम, एंड स्किन के लिए ये बहुत ही अच्छे हैं एंड प्राइजनेबल कहे जाए तो ऑनलाइन से आपको कम्बंट मिल सकता है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, और मेरी आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी उसको भी वॉच कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक माई चैनल। थैंक यू।